हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज दोपहर में आपके पार्टनर जो है आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको लेकर के कितना डीपली आपके लिए फील करते हैं। तो आज ये दोपहर की रीडिंग रहने वाली है। दोपहर के बारे में आज जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए, या आप जिनके बारे में सोचते हैं वो आपके लिए या आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आप इस रीडिंग के माध्यम से जान सकते हैं। तो आज की रीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनके लिए गाइड करें। ओके, प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइड करें। ओके, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। प्लेफुलनेस की एनर्जी। ओके, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है। एलोननेस की एनर्जी है। कंप्लीशन की एनर्जी आई है। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास एक्सपेक्टिविटी की एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो पार्टनर हैं ये सब कुछ ईश्वर के ऊपर समर्पित कर चुके हैं। सब कुछ ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दिया है इस पर्सन ने। मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन कुछ नया चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नई शुरुआत में ये पर्सन कन्वर्ट करना चाहते हैं। फिर से एक नई तरीके से ज़िंदगी जीने की एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं। फिर से एक नई ज़िंदगी, फिर से एक नया माहौल, एक होता है ना कि जैसे कि उम्मीद है ना, तो आपके पार्टनर वही करते हुए दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस 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 यस, आपके जो पार्टनर हैं मुझे ऐसी वाइब आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं, ये जो पर्सन इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने लगे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन बदलाव को जो है देख रहे हैं अपने जीवन में। ऐसा फील होता है कि ये पर्सन के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत ही ज़्यादा बदलाव आएंगे और बहुत ही ज़्यादा बदलाव आकर इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भर जाएंगी। मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसे जो पर्सन है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये पर्सन विश काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं। ये पर्सन सुबह सुबह में कुछ सोच रहे थे या नहीं, लेकिन दोपहर की एनर्जी काफ़ी अलग है, काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अपने आप को। एंड ये पर्सन मैनिफेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे कि संघर्ष बहुत किया है इस पर्सन ने अपने जीवन में, संघर्ष में काफ़ी जीवन रहा है इनका, लेकिन इसके साथ ही साथ ये पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में लगे पड़े हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ही ज़्यादा है ना कनेक्शन फील हो रहा है आपके पार्टनर को। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर और आपके बीच में आप दोनों का जो आप दोनों की जो एनर्जी है वो आप दोनों की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हुए दिख रही है।
मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के काफ़ी जो है आपको लेकर के काफ़ी, एक होता ना कि दिन रात है ना, वो सारी चीज़ें जो है ये पर्सन सोचते रहते हैं। दिन में भी आपका ख्याल, रात में भी आपका ख्याल, दिन और रात दोनों की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है ना देखते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ही अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ बदलाव होना ही चाहिए। आपके पार्टनर कहीं आपको कंपेयर भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका कंपेयर करना, आपको लेकर के कंपेयर करना किसी और के साथ, वो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि जो पर्सन है आपको लेकर के थोड़ा पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग, ऐसी भी वाइब आ रही है कि जो पर्सन है ना अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा ही जैसे होता है ना कि माइंड को डाइवर्ट कर चुके हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे ऐसी ही भी वाइब आ रही है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं आप में है ना, कहीं ना कहीं आप में इस पर्सन को बहुत कुछ सोचना पड़ता है और बहुत कुछ ये पर्सन ने सोचा है। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को आप में कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि हाँ, चांद, तारे, सितारे, वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। धीरे धीरे एक इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपका आपके पार्टनर के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है, जो कि आपके पार्टनर आपके साथ एक जो है पॉजिटिव सी वाइब को है ना, पॉजिटिव सी चीज़ों को क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके तरफ जो अट्रैक्शन हो रहा है आपके पार्टनर को, वो आपके प्रोफेशनल करियर के वजह से भी हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप में ये पर्सन अपना दूसरा रूप भी ढूंढते हैं। ठीक है, मुझे ऐसी ही वाइब, ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है। दोपहर में भी आपके पार्टनर अकेलापन फील कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी याद बहुत आ रही है, आपकी यादें बहुत ज़्यादा हैं, आपकी यादों में ये पर्सन जो है डूबे हुए हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। एंड ये पर्सन मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत आ रही है। एंड यस, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देख रहे हो ना, दिल टूटा है तभी तो आज आपकी याद आ रही है, दिल में बहुत तकलीफ़ है तभी तो आपकी याद आ रही है, दिल बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका है, दिल बहुत ज़्यादा रो रहा है, रोने पे मजबूर हो चुका है इस पर्सन का दिल। इसीलिए ये पर्सन का दिल मजबूरी में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उस चीख को, उस चिल्लाहट को सुनने वाला कोई नहीं है शायद, ऐसी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कौन सा ऐसा चक्कर चलाए, क्या ऐसा चक्कर चलाए जिससे आपका रिलेशन इनके साथ परफेक्ट बैठ जाए, और परफेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, परफेक्ट क्यों ना हो, मुझे ऐसी ही वाइब नज़र आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को आप में सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिख रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि हर एक चीज़ जो है ना यहाँ पे परफेक्ट वे में बैठी है, हर एक चीज़ जो है परफेक्ट तरीके से हो रही है, ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ अपने प्यार को है ना, जैसे होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, तो कॉम्प्रोमाइज़ आपके पार्टनर करते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है चाहते हैं कि जितना हो सके प्यार उतना आपको दे सके। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ये है कि भाई मैं जितना दे सकता हूँ उतना मैं क्यों ना दूँ।
यहाँ पे ये पर्सन आपके बगैर कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं उसके बगैर अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। क्यों? क्योंकि इनके पास सब कुछ है, इनके पास हर एक सुख सुविधा, हर एक चीज़ है, लेकिन एक आप नहीं हो, जिसकी वजह से आपकी कमी इस पर्सन के दिल में, दिमाग में बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन के अंदर, ये पर्सन का जो दिल है वो कहीं ना कहीं, जो एक होता है ना कि दिल थम सा जाता है, तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि दिल थम सा जाता है, दिल जो है ना बेचैन सा हो जाता है, दिल जो है बेचैनी में कहीं ना कहीं फील करने लगता है। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा ही एक जो कहते हैं ना कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक जो डिस्टर्बिंग एनर्जी है, वो डिस्टर्बिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के सोच समझ करके कोई भी एक्शन या कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके कार्ड में। आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ, अपने प्यार के साथ, अपने रिलेशन के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना चाहते हैं जो बॉन्ड कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है ना, आप दोनों की जो भाषा है, कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अलग है। आप दोनों देखो, माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आपके पार्टनर के माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड को फ्रेश करना या माइंड को बहुत कुछ जो है दिलासा देना आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, या कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचो, है ना? ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, आपके पार्टनर को पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में है, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट लगता है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आप में वो हर एक चीज़ है ना जो आपको प्यारी लगती है ना, वो हर एक चीज़ जो है ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन को डिसीज़न लेना है, ये पर्सन को आगे बढ़ने का है, और वो चीज़ें ये पर्सन करेंगे, लेकिन कैसे करें इनको कोई आइडिया लग नहीं रहा है। सो इनको रास्ता ईश्वर दिखा रहे हैं। एडवेंचर की एनर्जी यहाँ पे आई है जो कि बताती है कि ये पर्सन को रास्ता दिखाया जा रहा है। इस रास्ते पे इस पर्सन को चलना है कि नहीं चलना है, यही इस पर्सन को डिसाइड करना है। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बेस्ट हो रहा है, बहुत बेस्ट हुआ था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि आपके पार्टनर फाइव ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करते हैं और लोगों की बातों पर यकीन भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है, प्रॉब्लम के साथ एकदम से कनेक्ट हो चुका है। आप दोनों के रिश्ते में जो एक होता है ना कि रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी ना आ करके थोड़ी निगेटिविटी ज़्यादा आती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो आप दोनों का काम है इस निगेटिविटी को कम करना, इस निगेटिविटी को ख़त्म करना, या इस निगेटिविटी को पूरी तरीके से ख़त्म करके अपने रिश्ते के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? सो ये मैं दिखूँ तो दिख रहा है कि यस, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई तीसरा चौथा पर्सन लगा है जो कि आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने में काफ़ी जोरों शोरों से लगा हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके कनेक्शन के बाद, देखते हैं कि आपके जो कनेक्शन है, ठीक है, उसमें आगे क्या होने वाला है। डिवाइन मुझे बताएं कि आगे क्या होने वाला है, डिवाइन मुझे बताएं कि आगे क्या होने वाला है, डिवाइन क्या होने वाला है आगे मुझे बताएं। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास जजमेंट की एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सबसे पहले तो आगे क्या होने वाला है। तो पहले बता दूँ, फाइव ऑफ सॉर्ड्स यानी कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ है ऐसा जो कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ जो है यहाँ पे उस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने से अच्छा है कि उस डर को ख़त्म कर दिया जाए, उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाए और आपके पार्टनर उसी चीज़ को करेंगे। मुझे यहाँ पे यही भी दिख रहा है कि क्लैरिटी आएगी, जो कन्फ्यूज़न या जो कुछ छुपा हुआ है वो सामने आएगा, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो बातें छुपी हुई हैं अभी तक छुपी हुई हैं वो बातें सामने आएंगी। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग, एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे देखा जाए तो आप दोनों का जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा जो है रहेगा। और आप दोनों के प्यार में कभी भी एक दूसरे को, एक होता है ना कि एक दूसरे को कभी भी जो है डिसरिस्पेक्ट ना करना, वो एनर्जी भी दिख रही है। आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे और आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पीरियड में, मुझे ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि हाँ आपके जो पार्टनर हैं आप से इतनी मोहब्बत तो करते ही हैं, ठीक है। ओवरऑल और अगर देखा जाए तो मुझे यही एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।